हेलो दोस्तों, मैं रामकेश मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखती में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं टैली में लोगो कैसे लगाएंगे उसके बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो किसी भी कंपनी या फिर कह लीजिए शॉप्स जो होती हैं, उनकी सेल इनवॉइस होती है, उनमें उनके कंपनी या फिर उनके शॉप का लोगो ऐड होता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि टैली में किस तरह से इस लोगो को ऐड किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में टैली में किस तरह से आप सेल इनवॉइस या फिर खर्चे के जो वाउचर होते हैं उनमें कैसे आप अपने कंपनी का लोगो लगाएंगे उसी के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। गेटवे ऑफ टैली के जाने के बाद आपको यहाँ पर F11 फीचर में जाना है। F11 फीचर में जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे या फिर इस वाले टैब में आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कंपनी फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर दिख रहा है, यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। इसके बाद इन सारे ऑप्शंस पे एंटर करते हुए आपको सीधे नीचे चले जाना है और यहाँ पे जो लास्ट में आपको दिख रहा है इनेबल कंपनी लोगो, यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद फ्रेंड्स, इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको कंपनी के लोगो का लोकेशन देना होगा। फ्रेंड्स, लोगो बनाने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका जो लोगो है वो BMP फॉर्मेट या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है कि आपका जो इमेज होगा वो 96 पिक्सल विड्थ और 80 पिक्सल हाइट का होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका लोगो है वो स्पेसिफिक रिपोर्ट या फिर कह लीजिए वाउचर्स में ही शो होगा। फ्रेंड्स, मेरा जो कंपनी का लोगो है वो डेस्कटॉप पे यहाँ पे रखा हुआ है, बट इसके डायमेंशन को टैली के अकॉर्डिंग करने के लिए मैं इसको ओपन विथ पेंट करूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रिसाइज वाले ऑप्शन पे जाना है। रिसाइज वाले ऑप्शन पे जाने पे यहाँ पे पिक्सल में क्लिक करना है और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनटिक कर देना है। इसके बाद मुझे टैली के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेथ और हाइट को देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि वेथ का साइज है 96 और हाइट का 80, तो यहाँ पे मैं 96 हॉरिजेंटल में दूंगा और वर्टिकल में 80 दूंगा। इसके बाद ओके कर दूंगा और ये मेरी इमेज जो है रिसाइज हो गई है। इसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स, इस लोगो को मैं टैली के फोल्डर में ले जाकर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से कॉपी करूंगा, टैली के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ओपन फाइल लोकेशन करना और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से इसके लोकेशन को कॉपी कर लेना है। लोकेशन को कॉपी करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एड्रेस बार में क्लिक करना है। एड्रेस बार में क्लिक करने के बाद आपको बैक कॉलम देना है और यहाँ पे उस इमेज का लोकेशन कॉपी कर लेना है। जैसा कि मेरे यहाँ पे ये वाला है फेविकोन नाम का इमेज था, तो मैं इसके लोकेशन को कॉपी कर लूंगा। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट भी प्रेस करना है फ्रेंड्स। कंट्रोल ऑल्ट भी प्रेस करके सेव कर लूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको सेल इनवॉइस में दिखाता हूँ जो कि पहले से मेरी बनी हुई है। ये सेल इनवॉइस है और यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल्ट जेड प्रेस करके जूम करके यहाँ पे चेक कर लेना है यहाँ पे आपका कंपनी का लोगो आया कि नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे मेरे कंपनी का लोगो यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं टैली में किस तरह से अपने कंपनी का लोगो लगाया जाता है इसके बारे में डिस्कस किया हूँ। आशा करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल अकाउंट से युक्ति को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।